नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। अनूपपुर जिले के कोतमा में न्यू राज केबल नेटवर्क के मुख्य कर्ताधर्ता पर हुआ मामला दर्ज। उनके सहयोगी हिस्सेदार ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। न्यू राज केबल के अतिरिक्त अन्य नाम से भी उपभोक्ताओं से की जाती है बिल की वसूली। 13,50,000 रुपयों की धोखाधड़ी की शिकायत भालूमाड़ा थाने में दर्ज हुई। इसके पहले पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से भी उक्त मामले पर शिकायत की जा चुकी है। पीड़ित हिस्सेदार ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। 409/420 का मुकदमा भी दायर किया है। क्या मामला है? ये मामला यानी कि 2006 में जो है ना, आपकी दूसरे और रेशमा और दो अन्य इनके पार्टनरशिप में जो है ना, 2006 से 2013 तक अरिहंत केबल नेटवर्क यहाँ जमुना में समझा लेता उज्जैन का था, कुटुम्बा का। तो उसमें उनके 2006 से 2015 तक आबिद हुसैन को संचालक बनाया गया था। तो इनके द्वारा जो है सभी का जो ढंग से इंटरव्यू किया गया था, उसमें सभी को बराबर पैसा मतलब मिला करता था। और इसके बाद फिर पहले सटर बॉक्स में इनके केबल नेटवर्क का काम चलता था, बाद में भारत सरकार के द्वारा जो है डिजिटल करा दिया गया। तो 15 के बाद उसमें डिजिटल सिस्टम हो गया। इसके बाद फिर अजीत हुसैन जो उसमें इनको पैसा देना बंद कर दिया, अब तो ये मेरा है तुम्हारा कुछ नहीं। तो इस पर शिकायत कर दी मामला। इसमें एक चीज़ और है सर, कई नामों से मतलब बिल वसूले जा रहे हैं, कस्टमर से बिल लिए जाते हैं कई नामों से। हाँ, ये बात भी सामने आया है, जांच के विषय है। और बीचना में जाना आगे जांच होगी तो पता चलेगा कि उनके द्वारा किस किस नामों से जाना बिल वसूले जा रहे हैं। बीचना के विषय अभी तक क्या कार्रवाई हुई सर? अभी तक जो है ना, इसके ध्यान हो गए हैं डीआरडीओ के, हमने सर नक्शा बनाया है और अभी मामला सर ये है कि हम लोगों ने मतलब 2006 में चार लोगों ने मिलकर के एक अरिहंत केबल नेटवर्क को हम लोगों ने क्रैक किया था आपस में, और उसको हम लोगों ने एक नया मतलब फर्म बना करके और उसका एक एफिडेविट बनवा करके। नया फर्म किस नाम से था? न्यू राज केबल नेटवर्क नाम से हमने नया फर्म बनाया था, और उसका जो है चारों आदमी की सहमति से, चारों पार्टनर की सहमति से आबिद हुसैन उर्फ बाली को जो है उसका प्रबंधक और संरक्षक नियुक्त किया गया था, जो पूरा कारोबार वही देख रहे थे। और हम लोगों के जो लागत थी वो 18 लाख रुपए लगी थी इसमें। हाँ, जिसमें अधिकतम सबसे ज़्यादा मैंने 9 लाख रुपए लगाए थे, और बाकी तीन पार्टनर राजेंद्र राम और मोहम्मद अबरार और आबिद हुसैन 3-3 लाख रुपए लगाए थे। और पैसे के अनुपात से ही हम लोगों का जो है हर महीने 1-2 तारीख को जो है लाभांश का बंटवारा होता था। और ये हम लोगों का जो था ये 7 साल का अनुबंध था, उसके बाद ये हुआ कि आपस में चर्चा करके इसको और आगे बढ़ा लिया जाएगा। अच्छा। लेकिन आबिद हुसैन द्वारा इसको बढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो 2 अक्टूबर 2015 तक हिसाब बराबर दे रहे थे। अच्छा। 2011 में भारत सरकार द्वारा जो है डिस्लेशन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, अधिसूचना जारी हुई, उसमें ये हुआ कि भाई अब नया वो आएगा मार्केट में, टेक्नोलॉजी से दिया सेटअप बॉक्स से दिखाया जाएगा, तो उसकी तैयारी चालू कर दी गई। तो आबिद हुसैन ने हमसे जो है 2 लाख रुपए की डिमांड 2013 में की कि सेटअप बॉक्स मंगाना है। तो हमने उनको 22 चेक जो है, हमारी मिसेज ने जो है श्रीमती रेशमा जिनके नाम पे वो भागीदार हैं, उन्होंने चेक जारी किया जो सेटअप बॉक्स आया 2 लाख रुपए का।